Welcome back everyone. In this video we are going to practice use of keep and keeps. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start. तो आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ कीप और कीप्स का, हमें किस तरीके से यूज करना है ये जानेंगे। तो पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि कीप का यूज किसके लिए करते हैं, जब कोई चीज प्लूरल हो, और कीप्स का यूज करते हैं जब कोई चीज सिंगल हो। ये यहाँ के लिए है, मतलब इन सेंटेंस के लिए। ऐसा नहीं है कि अलग, अगर आप लोग देखें कि कीप एस लग रहा है तो ये प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा, ऐसा नहीं देखना है। इस सेंटेंस में आपको इस तरीके से देखना है। तो आपका रूल क्या है, कीप ऑफ यूज ऑफ कीप एंड कीप्स का यूज करने का रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस कीप, कीप्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी प्लस ओडब्ल्यू मतलब अदर वर्ड्स यूज करना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है वह यहाँ प्रतिदिन खेलता रहता है, वह यहाँ प्रतिदिन खेलता रहता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही कीप्स प्लेइंग हियर डेली। तो यहाँ पे जो वह है वह सब्जेक्ट बन गया है, उसके बाद आपको कीप्स यूज करना है, और खेलता के लिए प्लेइंग, यहाँ के लिए हेयर, एंड प्रतिदिन के लिए आप डेली यूज करेंगे। तो वह यहाँ प्रतिदिन खेलता रहता है, ही कीप्स प्लेइंग हेयर डेली। सेकेंड सेंटेंस है, तुम पेड़ के नीचे बैठा करते हो, तुम पेड़ के नीचे बैठा करते हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका यू, सब्जेक्ट है आपका यू, इसके साथ आपको कीप यूज करना है, बैठने के लिए सिट, सिट वर्ड है, उसके साथ आपको फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म हो गई वैसे, और इसके साथ आपको आई एन जी लगाना है। तो यहाँ पे सिट का सिटिंग हो जाएगा, और नीचे के लिए आप लोग अंडर यूज करेंगे, और पेड़ के तो द ट्री यूज करेंगे। तो तुम पेड़ के नीचे बैठा करते हो, यू कीप सिटिंग अंडर द ट्री, यू कीप सिटिंग अंडर द ट्री। थर्ड सेंटेंस है, हम हमेशा सड़क पर दौड़ा करते हैं, हम हमेशा सड़क पर दौड़ा करते हैं। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो हो गया आपका वी, हमेशा के लिए आपने यूज किया ऑलवेज, और उसके बाद आपको यूज करना है कीप, क्योंकि जो ये सेंटेंस है वो प्लूरल है। और सड़क के लिए आपको यूज करना है रोड, दौड़ा के लिए आपको रन, रन लिखना है, उसके साथ आपको आई एन जी जोड़ना है। तो वी ऑलवेज कीप रनिंग ऑन द रोड, हम हमेशा सड़क पर दौड़ा करते हैं, तो वी ऑलवेज कीप रनिंग ऑन द रोड। अब है फोर्थ सेंटेंस, भिखारी गांव जाता रहता है। तो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग, अभी तक हमने सेंटेंस किया तो वो सब्जेक्ट से स्टार्ट हुए, बट ये सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये यहाँ से भिखारी गांव जाता रहता है। तो इसको बोलेंगे द बैगर कीप्स गोइंग टू विलेज, द बैगर कीप्स गोइंग टू विलेज। तो यहाँ पे बैगर की इंग्लिश हो गई है, सॉरी भिखारी की हिंदी हो गई है बैगर, और गांव के लिए आपको यूज करना है विलेज, जाता के लिए आपको यूज करना है गोइंग, और रहता है के लिए टू, ठीक है। तो भिखारी गांव जाता रहता है, द बैगर कीप्स गोइंग टू विलेज। फिफ्थ सेंटेंस है, क्या तुम दिन में सोते रहते हो, क्या तुम दिन में सोते रहते हो। तो इसको बोलेंगे डू यू कीप स्लीपिंग इन द डे, डू यू कीप स्लीपिंग इन द डे। सिक्स सेंटेंस है, खिलाड़ी बस से क्यों आते रहते हैं, खिलाड़ी बस से क्यों आते रहते हैं। तो वाई डू दिस प्लेयर्स कीप्स कमिंग बाय द बस, वाई डू दिस प्लेयर्स कीप्स कमिंग बाय द बस। तो यहाँ पे जो खिलाड़ी है उसको बोलते हैं प्लेयर्स, खिलाड़ी को बोलते हैं प्लेयर्स। बस के लिए आपकी इंग्लिश बस रहेगी, उस और क्यों के लिए आपने वाई यूज किया है, और यहाँ पे कोई काम हो रहा है तो उसके लिए आपको डू यूज करना है, तो ठीक है। खिलाड़ी बस से क्यों आते रहते हैं, तो वाई डू दिस प्लेयर्स कीप्स कमिंग बाय द बस। और ये चीज देखिए कि ये सेंटेंस है जो कि हम क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंस है ये। सेवन्थ है आपका, वह अक्सर गाली देता रहता है, वह अक्सर गाली देता रहता है। तो इसको बोलेंगे, और ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिए, जो वह है वो एक सब्जेक्ट है। तो ही ऑफन कीप्स ओविसिंग, ही ऑफन कीप्स ओविसिंग, मतलब ही के लिए आपने यूज किया है वह, अक्सर के लिए ऑफन, फिर उसके बाद कीप्स आ जाएगा, एंड गाली देता के लिए अब्यूजिंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अब्यूजिंग। तो ये थे हमारे 1 to 7 सेंटेंसेस जो कि यूज ऑफ कीप एंड कीप्स के ऊपर थे। आई होप आप लोगों को ये सेंटेंस समझ में आएंगे, समझ में आए तो आइए इसी टाइप के कुछ और सेंटेंसेस को और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट रूल है सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन कीप्स ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ओके, एंड अदर वर्ड भी आप लोग यूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, शिक्षक पाठ समझाते रहते हैं, शिक्षक पाठ समझाते रहते हैं।
तो बोलेंगे द टीचर कीप्स ऑन एक्सप्लेनिंग द लेसन, द टीचर कीप्स ऑन एक्सप्लेनिंग द लेसन. तो यहाँ पे शिक्षक क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गया है, तो द टीचर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे शिक्षक बोल दिया ये है वह नहीं करा है, तो डायरेक्ट शिक्षक बोला था इसलिए हम द टीचर से स्टार्ट करेंगे. द टीचर कीप्स ऑन लगाएंगे, उसके बाद समझाते को एक्सप्लेनिंग बोलेंगे और पार्ट को लेसन, रहते हैं के लिए द यूज करेंगे. तो शिक्षक पार्ट समझाते रहते हैं, द टीचर कीप्स ऑन एक्सप्लेनिंग द लेसन. नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, वह अपने पसंदीदा गाने गाती रहती है, वह अपने पसंदीदा गाने गाती रहती है. तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, गर्ल की हो रही है, फीमेल की हो रही है, तो उसके लिए आप लगाएंगे शी. वह के लिए सब्जेक्ट हो गया आपका शी, और उसके बाद आपको कीप ऑन यूज कर लेना है, गाना गाती रहती है, सिंगिंग हर फेवरेट. फेवरेट किसकी हिंदी है, पसंदीदा की. गाने के लिए आप सॉन्ग यूज करेंगे, तो वह अपने पसंदीदा गाने गाती रहती है, शी कीप्स ऑन सिंगिंग हर फेवरेट सॉन्ग. नेक्स्ट है आपका, वह पार्क में खेलते रहते हैं, वह पार्क में खेलते रहते हैं, तो वे की हिंदी हो जाएगी दे. उसके बाद आपको कीप ऑन यूज करना है, प्लेइंग के खेलते के लिए प्लेइंग यूज करेंगे, रहते हैं के लिए इन द, और पार्क के लिए आप पार्क ही यूज करेंगे क्योंकि जो पार्क है वो एक प्लेस है, तो उसकी जगह वही आएगा. तो वह पार्क में खेलते रहते हैं, दे कीप ऑन प्लेइंग इन द पार्क, दे कीप ऑन प्लेइंग इन द पार्क. नेक्स्ट है आपका फोर्थ, बच्चे सवाल पूछते रहते हैं, बच्चे सवाल पूछते रहते हैं, तो बच्चे के लिए आपका यूज करना है किड्स, किड्स यूज करेंगे. एंड डायरेक्ट यहाँ पे दे ध्यान दीजिए कि वह, यह, मुझे, हम से नहीं स्टार्ट हुआ है, डायरेक्ट यहाँ बच्चे से स्टार्ट हुआ है, तो उसके लिए आपको द किड्स यूज करना है. जैसे कि हमने टीचर के लिए द टीचर यूज किया था, वैसे बच्चे के लिए द किड्स यूज करेंगे. फिर बोलेंगे कीप ऑन, पूछते के लिए आस्किंग है, सवाल के लिए क्वेश्चन है, तो बच्चे सवाल पूछते रहते हैं, द किड्स कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन, द किड्स कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन. तो फिफ्थ है आपका, कड़ी मेहनत करते रहो, तो इसके लिए यहाँ पर डायरेक्ट किसी बात से स्टार्ट हुई या किसी काम से स्टार्ट हुई, तो कड़ी मेहनत करते रहो के लिए पहले ही आ जाएगा कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत करते रहो, कीप ऑन वर्किंग हार्ड. सिक्स है आपका, मुस्कुराते रहो, पहले अलग वर्ड है, ना कि सब्जेक्ट दिया है ना कि कोई पर्सन दिया है, तो उसके लिए पहले आपको भी कीप ऑन लगाना पड़ेगा, मुस्कुराते रहो, कीप ऑन स्माइलिंग, कीप ऑन स्माइलिंग. सेवन है आपका, कोशिश करते रहो, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग. तो ये थे आज के हमारे रूल, वन टू रूल थे, जो कि पहला रूल था आपने देख लिया, सेकंड रूल है सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन एंड कीप्स ऑन प्लस वर्ब फर्स्ट है, आईएनजी का फॉर्म है, और जो पहला रूल था उसमें आपको कीप एंड कीप्स का यूज करना था. तो आई होप आपको दोनों रूल बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएंगे, समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कॉमेंट करना है, शेयर करना है, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस टाइप की वीडियो आती रहे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.